यूपी के बुलंदशहर में मनरेगा के तहत किए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसे लेकर मेरठ मंडल की लोकपाल बुलंदशहर पहुंची, जहां उन्होंने मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियों का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत सादिक राणा ने सीएम शिकायत पोर्टल पर की थी। वहीं लोकपाल ने 30 बिंदुओं पर जांच कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ उदय यादव की रिपोर्ट। यहाँ से एक शिकायतकर्ता है जिन्होंने यहाँ से कंप्लेन डाली है, जिसके बेसिस पे लखनऊ से मेरे पास ऑर्डर्स आए हैं कि मैं इसकी जांच करूँ। तो मैं मनरेगा के कार्यों की जांच कर रही हूँ। इनकी शिकायत है कि 2021 से और अभी तक कार्य ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, उसके पैसे निकल गए, तो मैं उन्हीं की जांच कर रही हूँ। अच्छा। अगर नहीं पाए जाते हैं काम तो उसके बाद मैं इनको सबको जो है नोटिस इशू करके इनसे डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें वीडियो सेक्रेटरी, प्रधान, टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट, ये सब अपने अपने जवाब मेरे पास दाखिल करेंगे, उनके बेसिस पर भी मैं देखते हुए एक आदेश पारित करूँगी, जिसमें अगर काम नहीं पाए जाते हैं तो FIR निकलती है। हमने पिछले साल अगस्त में डाली थी शिकायत जी, वो 4 बार चलती रही, बस आख्या गलत लगती चली गई, हमें संतुष्टि नहीं हुई। 29 दिसंबर में PD साहब यहाँ आए जांच के लिए, उनके उन्होंने 3 लाख रुपये माना किया, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, फिर मैंने शिकायत डाल दी लखनऊ।